वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी सात संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी तो इस नू लाइक ते शेयर जरूर करियो। प्यारी सात संगत जी, तुहाडे नाल इह तां जरूर होया होएगा जां हुंदा होएगा कि बस कार विच सफर करदियां उल्टी आउण लगदी है जां मन कच्चा होण लगदा है, चक्कर आउंदे ने जिस करके तुसीं लम्मा सफर तय नहीं कर पाउंदे। सब तो पहला जानदे हां कि उल्टी आउंदी क्यों है। ए उल्टी मोशन सिग्नल करके आउंदी है जो कि कोई बीमारी नहीं, एक एवें दी स्थिति है जो साडे दिमाग नूं अख नक कन्न तों वक्खरे वक्खरे सिग्नल मिलदे ने जिस तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम कन्फ्यूज हो जांदा है ते साडे नाल उल्टी वाली समस्या होण लग जांदी है। पर जे असीं थोड़ी जी सावधानी नाल चलीए तां इस प्रॉब्लम तों बच भी सकदे हां। तां आओ फिर जाणीए की इह प्रॉब्लम ते किवें बचीए। पहली गल, कार दी पिछली सीट ते ना बैठो जिस नूं भी इह प्रॉब्लम है। बस वगैरा च भी अगे वालियां सीटां ते बैठो क्योंकि पिछली सीट ते गति दा एहसास हुंदा है। दूसरा, इस समय सफर विच बुक्स वगैरह ना पढ़ो। जे ज़्यादा दिक्कत है तो कार का शीशा खोल लवो, ताजी हवा नाल ये प्रॉब्लम घट होएगी। तीजा, कदे भी खाली पेट सफर ना करो। कई कहणगे कि खाली पेट सफर करन नाल उल्टी नहीं हुंदी, पर ये गलत है। सफर ते जान तो पहला ना कुछ हल्की डाइट जरूर लवो। सफर ते जान तो पहला एक पक्का होया नींबू रख लवो ते जदों भी जी मुसरन लगे इस नूं कट के सुंघ लवो, उल्टी नहीं आएगी। दूसरा, तुलसी का पत्ता चबाउण नाल भी उल्टी नहीं समस्या छुट सकती है, इस तों निजात मिल सकता है। तीसरा है संतरा, संतरे नूं काला नमक लगा के खाण नाल भी उल्टी नहीं आएगी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।